अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और जुमा का दिन आज माशाल्लाह सबने अपनी नमाजें भी अदा की होंगी, दुआएं भी मांगी होंगी स्पेशली मुल्क के लिए। इससे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक तोहफा देने जा रही हूँ। वो तोहफा ये है कि रेहान आंटी मौजूद है यहाँ पे हम लाहौर में, तो उनसे मैं आपकी बात भी कराती हूँ और वो क्या कहते हैं इस हवाले से, और जो भी तासुरात हैं जो इस दिन के हवाले से, रमजान के हवाले से, वो मैसेज आपको देंगी। बड़ा रहमता और बरकता वाला, दुआओं के करने वाला और अल्लाह अरहमुर राहिमीन, सबसे रहम करने वाला, दुआओं को कबूल करने वाला। इस महीने मांगो जो मांगना है वो मिलेगा, दुआओं में कबूलियत होगी। ये रहमतों और बरकतों का महीना है और अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरे पूरे पाकिस्तान की खुशियाँ इसमें शामिल हो, और रमज़ान का महीना मेरे पूरे पाकिस्तान के हर घर घर के लिए अच्छा पैगाम हो, अच्छियाँ खुशियाँ हो, और सबको अल्लाह ताला मिलजुल कर बहन भाइयों से मोहब्बत के साथ ईद करने की खुशियाँ शामिल हो इसमें। ये आज जुमे का रोज़ है, जुमातुल मुबारक है और जुमा अफजल है, और आप इसमें भी बहुत सारी दुआएं करें, इसमें भी कबूलियत होगी। आंटी दूसरा अशरा शुरू हो गया, इंशाल्लाह ताला दूसरे से अपनी रहमतों की दुआ करें। ये जिंदगी के मेले हैं, अब हमने देखा रमजान आया, आगे क्या कह सकते हैं कि क्या होगा। अल्लाह हर के लिए अच्छा करे और आगे से भी पूरे पाकिस्तान को रमजान मुबारक दिखाए। आपने अच्छी दुआएं करनी है, ये महीना बहुत बरकतों वाला है, इंशाल्लाह ताला इसमें बड़ी कबूलियत है। आप नमाजें अदा करें, कुरान पढ़ें और रात को तरावियां शाम में अदा करें। इंशाल्लाह ताला ये मौका मिला है इबादात का, इसमें जितनी इबादात की जाए उतनी कम है। मेरी तरफ से सब बहादुर बेटों, बहादुर बेटियां, माओ बहनों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपको इस अमल पर तौफीक अता करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़। चले जी, आंटी की तरफ से बहुत प्यारा सा मैसेज। अच्छा आंटी, यहाँ मैं आपसे पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान के लिए आप क्या कहना चाहेंगी हवाले? मेरा पैगाम है पाकिस्तान के लिए, और मेरी दिली दुआ है कि हमेशा मेरा पाकिस्तान रोशनियों की तरह जगमगाता रहे, इसमें अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल हों। और मैं हमेशा जब भी बाहर जाती थी तो मैंने बाहर की दुनिया को देखकर हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए दुआ की थी कि या अल्लाह हमारे पाकिस्तान भी जो है इस तरह जगमगाए और हमारे पाकिस्तान में इस तरह की सहूलतें हों। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आप भी दुआ करें, मेरी भी दुआ है। ख़ास तौर पर अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान अपना फजल करे, इंशाल्लाह ताला फजल होगा, करम होगा इंशाल्लाह ताला। हमारी बहादुर फौज जो उस दिन सानिया हुआ और वो जो मेरे बेटे शहीद हुए, उन पर भी मुझे बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनकी शहादतें कबूल करे और दर्जात बुलंद करे हमारे पाकिस्तान की बहादुर फौज। और मैंने हमेशा अपनी फौज के लिए हमेशा दुआएं की हैं, अल्लाह ताला इनको इससे भी ज़्यादा कुव्वत और बहादुरी अता करे। और हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं, और हमारी बहादुर फौज है तो हम हैं। हमेशा आप सब हमारी बहादुर फौज के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा बहादुरी की जुरत अता करें। आमीन। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पाकिस्तान से बेहतरी करेगा और दहशत गर्दी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से खत्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे आंटी जी ने जुम्मे के हवाले से, आखिरी जो सेकंड अशरस के हवाले से भी आपको बताया, और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये बोला कि हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है और अपने फौज से बहुत प्यार है। जो भी चीज़ें हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में बेहतरी आए और यहाँ पर ऐसा निज़ाम आए कि हर बंदा सच बोल सके, हर बंदा ईमानदारी से चल सके, और यहाँ पर झूठ को हटा के, उन जालिमों को हटा के अच्छे तरीके से कानून बनाया जाए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और हमारे मुल्क में बिजनेस आए, हमारे मुल्क में लोग डर के यहाँ पे घर बनाए, बिजनेस करें, चीजें अपने यहाँ पे अच्छी से अच्छी करें ताकि हर बंदे को रोजगार मिले। खैर, ये थी आंटी रेहाना जिन्होंने स्पेशली आपको चीजें बोली। आंटी सामने है तो मैं बाकी बातें और बाद में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेशली मैसेज जुम्मे का आंटी का आपके लिए था, जो मैंने कहा मैं आपको रिकॉर्ड करके आपको सुनाऊं। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहादुर फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हम सबकी तरफ से।